गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में बेटा फाइंड द वैल्यूज जीरोज ऑफ फाइंड द जीरोज नाउ टुडे डिस्कस द रिमाइंडर थ्योरम लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था बेटा? लॉन्ग डिवीजन मेथड पी ऑफ एक्स नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनटू डी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसे क्लियर कि पी ऑफ एक्स क्या था बेटा? डिवीडर। ठीक है, नाउ g of x हमारा क्या है? डिवाइजर। एंड q of x द क्वेश्चन, नाउ r of x इज अ रिमाइंडर। r of x इज अ रिमाइंडर। तो टुडे डिस्कस द रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? देखो स्टेटमेंट, देखो ना स्टेटमेंट क्या है कि लेट द p of x बी एनी पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। याद रखना बेटा क्या है डिग्री उसकी? ग्रेटर देन or equal to 1. So let be any real number if p of x, if क्या बेटा आपको दिया है? p of x is divided by the linear polynomial. बेटा p of x is divided है हमारा बेटा, तो कौन सा linear polynomial? कौन सा दिया linear polynomial? x minus है आपको दिया, मैच सर क्या linear polynomial इसको बोलते बेटा कि degree is 1, तो इसको बोलते हैं linear polynomial. Now x minus है, then remainder क्या हमको prove करना है बेटा? p of a. Is it clear? फिर से दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है बेटा? कि लेट p ऑफ x बी एनी पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेट बी एनी रियल नंबर p ऑफ x डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलीनोमियल x माइनस a, उसको डिवाइड करना है बेटा, ठीक है, x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a. अब वन बाय वन क्वेश्चन में आपको जो दिया है बेटा, अब प्रूव कैसे करेंगे कि सपोज दैट p ऑफ x इज अ डिवाइडर। हम जानते हैं बेटा कि p ऑफ x हमारा कौन सा है? डिवाइडर है। x minus a is a divisor, याद रखना बेटा, जिसको डिवाइड करना है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर। कौन सा? x minus a। तो नाउ क्वेश्चन क्या है आपको? p of x एंड देन रिमाइंडर इज r of x। तो क्या बनेगा? p of x इक्वल टू लॉन्ग डिवीजन p of x इक्वल टू g of x * q of x + r of x। पर बेटा डिवाइडेड, p of x को डिवाइड करना, डिवाइजर कौन सा है हमारा? g of x में क्या दिया आपको? x minus a फैक्टर है। x minus a is linear polynomial, तो g p of x equal to g of x into p of x plus r of x। तो put the value बेटा, g of x equal आपको mention किया है बेटा x minus a, x minus a into p of x plus r of x। is it clear बेटा? अब now degree हम जानते हैं बेटा, degree of r of x के बेटा remainder के less than degree of x minus a, कि x minus a की degree ज्यादा है बेटा इसे r of x से remainder से। तो क्या डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स लेस देन वन? हमको पता है बेटा वैल्यू कि एक्स माइनस है हमारा कौन सा? लीनियर पॉलीनोमियल। तो डिग्री ऑफ एक्स माइनस है इक्वल टू वन, ये वन कैसे लेगा? लीनियर पॉलीनोमियल इसलिए बेटा। तो एक्स माइनस की डिग्री वन है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स तो क्या होगा बेटा? लेस देन वन है, तो वन से कम ही होगी, तो वन से कम मीन्स क्या होगा? आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो आर ऑफ एक्स की जगह आप क्या, आर ऑफ एक्स इज अ वैल्यू इज कॉन्स्टेंट किसी, उसकी जगह क्या स्मॉल आर, तो यहां पे पुट कर दो। तो p of x इक्वल टू एवरी रियल वैल्यू ऑफ r of x इक्वल टू r, r of x इक्वल टू r, तो p of x इक्वल टू x माइनस a q of x प्लस r of x, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू ले लो स्मॉल r, तो p of x इक्वल टू x माइनस a q of x प्लस r। आपको मेंशन किया है बेटा सब्स्टिट्यूट इन द x की जगह क्या है? x माइनस a इक्वल टू 0, तो x इक्वल विद पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, put the value of this equation, तो x की जगह क्या करना है? small रख दो, p of a equal to a minus a and q of a plus r, a minus a into q of a plus r, a minus a zero into करोगे बेटा q of a, तो क्या क्या आंसर? zero plus r, तो p of a equal to r, hence true हो गया बेटा, clear हो गया बेटा कि जो डिवाइड है हमारा p of x को कौन सा बेटा डिवाइड करना है? कि x माइनस लीनियर पॉलीनोमियल है पर डिग्री इसकी है मुझे बेटा 1 एंड मोर देन 1। देखो आपको दिया है बेटा कि नाउ रियल नंबर के डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो p of x इक्वल टू आपको मेंशन किया बेटा, p of x इक्वल टू क्या आएगा? g of x * q of x + r of x। अब आपको g of x का कौन सा डिवाइड कर रहे हो? x माइनस a, तो बेटा p of x इक्वल टू x माइनस a into q of x plus r of x। आपको पता है डिग्री है बेटा क्या?
रिमाइंडर थ्योरम r ऑफ x लेस देन रिमाइंडर डिग्री ऑफ x माइनस इसकी डिग्री बाय लीनियर पॉलीनोमियल इज इक्वल टू 1 आए तो इसी क्या होगी बेटा उससे कम ही होगी इससे बड़ा डिग्री ऑफ रिमाइंडर से डिग्री ऑफ x माइनस तो लेस देन 1 हो गया तो r ऑफ x की वैल्यू बेटा 0 कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट r ऑफ x इक्वल टू स्मॉल r तो p ऑफ x इक्वल टू x माइनस q ऑफ x प्लस r तो सब्स्टिट्यूट करो बेटा वैल्यू के x माइनस a फैक्टर पे x इक्वल टू स्मॉल ax माइनस a इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू स्मॉल a इन द अबव इक्वेशन a माइनस a इनटू q ऑफ x है बेटा q ऑफ a प्लस r a माइनस 0 इनटू q ऑफ a प्लस r तो 0 के साथ में मल्टीप्लाई करना आंसर 0 आता है p ऑफ a इक्वल टू r ये क्या था रिमाइंडर थे इन शॉर्ट में रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है बेटा g ऑफ x इक्वल टू 0 कहला g ऑफ x इक्वल टू 0 वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो फर्स्ट ईयर में बेटा बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इक्वल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देखो फर्स्ट नंबर बेटा तो आपको दिया गया डिवाइड बाय x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 नंबर फर्स्ट उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं x प्लस 1 तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1 तो स्मॉल r इक्वल टू p ऑफ माइनस 1 स्मॉल r देखो आपको मेंशन किया स्मॉल r इक्वल टू p ऑफ a मींस कि आपको मेंशन किया बेटा यहां पे x माइनस a इक्वल टू 0 x माइनस a इक्वल टू 0 x इक्वल टू स्मॉल a x इक्वल टू स्मॉल तो रिमाइंडर r इक्वल टू क्या आ गया बेटा p ऑफ a इज इट क्लियर यहां पे आपको बेटा देखो x प्लस 1 था तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस है तो बेटा माइनस माइनस है तो प्लस तो r इक्वल टू p ऑफ माइनस 1 पुट कर दो बेटा कि p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू के नाउ p of minus 1 r equal to small r equal to p of minus 1 equal to minus 1 cube minus 1 cube minus 2 into minus 1 square minus 4 into minus 1 minus 1 is it clear x plus 1 equal to x plus 1 equal to 0 x equal to minus 1 so r equal to p of minus 1 now minus 1 ka cube beta minus 1 माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस फोर माइनस वन इक्वल टू माइनस वन माइनस टू प्लस फोर माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर प्लस फोर इक्वल टू जीरो क्या मिली मिली बेटा पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो इज इट क्लियर बेटा फर्स्ट नंबर By using क्या था बेटा रिमाइंडर थ्योरम By using क्या था बेटा रिमाइंडर तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हो बेटा पर ये मेथड इजी रहेगी आपको एग्जाम पूछा बेटा By using रिमाइंडर थ्योरम तो g ऑफ x x plus 1 equal to 0 तो स्मॉल r equal to क्या p of minus 1 क्लिक सपोज यहां पे x minus 1 होता तो क्या आता बेटा x minus 1 equal to 0 तो x equal to plus 1 नंबर 2 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x cube plus 3x square plus 3x x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1 x minus 1 by 2 x and x plus 5 देखो p of x 1 है बेटा उसके different different g of x दिया है हम 1 by 1 सॉल्व कर रहे हैं नंबर 2 फर्स्ट नंबर 2 कि x plus 1 है तो g of x means x plus 1 equal to 0 x equal to minus 1 x equal to minus 1 the small r equal to p of minus 1 put the value beta equal to p of minus 1 minus 1 cube plus 3 into minus 1 square plus 3 into minus 1 plus 1 equal to minus 1 ka cube beta minus 1 plus 3 minus 1 square is 1 plus minus minus 3 plus 1 इक्वल टू माइनस वन प्लस वन कट हो गया बेटा ठीक है निकल हो गया थ्री माइनस थ्री के थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू पी ओ माइनस वन तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी मिली बेटा आर इक्वल टू जीरो तो फर्स्ट क्लियर हो गया बेटा अब बेटा नंबर टू आपको क्या दिया बेटा एक्स माइनस टू ये नंबर फर्स्ट था बेटा अब नंबर टू सॉल्व कर रहे हैं
x minus 1 by 2 equal to 0, तो x equal to क्या आएगा बेटा 1 by 2, तो small r equal to p of 1 by 2, p of 1 by 2. R equal to आपको दिया है, x equal to क्या आएगा 1 by 2 minus the plus, तो R equal to p of 1 by 2, तो R equal to small r equal to p of 1 by 2, p of 1 by 2 equal to p of 1 by 2 में 1 by 2 cube plus 3 into 1 by 2 square plus 3 into 1 by 2 plus 1. X minus 1 by 2 equal to 0, x equal to 1 by 2, put the value beta, v of x star equal to v of 1 by 2 equal to 1 by 2 by 1 upon 8 plus 3 into 1 by 4 plus 3 1 jar 3 by 2 plus 1 equal to 1 upon 8 plus 3 1 jar 3 by 4 plus 3 by 2 plus 1, 3 by 2 plus 1, तो देखो मैं LCM ले लूँ, LCM क्या है, 8 आएगा, यहाँ पे 8, 1 plus, यहाँ पे 4 एड, 3 into 2 plus, 2 है तो बेटा 3 into 4 plus, 1 into 8, 1 into 8, equal to बेटा क्या, 1 plus 3 into 6 plus 3 for 12 plus 8 1 जा 8 upon 8, equal to 12 plus 20, 20 plus 26 plus 1, मैं आंसर क्या है 27 upon 8. Is it clear na? X equal to, likha mila beta small r equal to p of 1 by 2 remainder aapko mil gaya beta. R equal to p of 1 by 2 equal to 27 upon 8. Number 2 clear. Now number 3. Number 3. Second ka number 3. Aapko mention kiya beta x equal to, x equal to 0. X equal to 0. तो नाउ स्मॉल r इक्वल टू p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 इक्वल टू क्या है बेटा 0 क्यूब प्लस 3 इनटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इनटू 0 प्लस 1, 0 इनटू 0 इनटू 0 तो प्लस 1, r इक्वल टू p ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो गया. अब नाउ नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, x प्लस 5, नंबर फोर्थ, x plus pi equal to 0, तो small x equal to minus pi, तो small r equal to p in bracket minus pi, small r equal to p in bracket minus pi, तो now equal to x cube, ले pi cube plus 3 into minus pi square plus 3 into minus pi plus 1, minus pi cube equal to minus pi cube plus 3 into 3 pi square plus minus minus 3 pi now plus 1, I believe r equal to p in bracket minus pi. Okay, we have done 1 by 1. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 divided by first, second, third and fourth. Is it clear? Now next, find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a divided by x minus a is divided by x minus a. You know, x minus a, number third, x minus small a equal to 0, x minus a small a equal to 0, तो x equal to small a, तो r equal to p of a, r equal to p of a, put the value equal to x cube minus a x square plus 6x minus a, तो a cube minus a into
a square plus 6 into a minus a equal to a cube minus a into a square એટલે કે આવે a cube plus 6a minus a a cube cut equal to 6a minus a equal to 5a એટલે r equal to p of a equal to કે આન્સર આવે બેટા 5a is it clear small r equal to p of a equal to 5a देखो ना डिफरेंस हम हो गया अभी अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बता के p of x equal to px cube plus 9x square plus 4x minus 10 by x plus 3 it leaves the remainder is 5 ये याद रखना आपको remainder कितना दिया है 5 तो find the value of k सबसे पहले ना g of x का आपको remainder दिया है find करते x plus 3 equal to 0 x plus 3 equal to 0 तो x equal to बता क्या आएगा आपका minus 3 minus 3 r equal to p of minus 3 equal to देखो leaves the remainder जो remainder नहीं देते तो equal to 0 लिखते थे बेटा आपको दिया है यहां पे कितना remainder 5 तो equal to क्या आएगा बेटा 5 is it clear small r equal to p of minus 3 equal to 5 अब बेटा x की जगह पुट कर दो वैल्यू minus 3 तो k in bracket minus 3 cube plus 9 into minus 3 square plus 4 into minus 3 माइनस 10 इक्वल टू 5 माइनस 3 क्यूब 27 माइनस 27 माइनस 27 के देखो बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस क्या करें 9 इन ब्रैकेट 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 10 इक्वल टू 5 माइनस 27 के प्लस 9 9 जा 81 माइनस 12 माइनस 10 है माइनस 22 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 तो बड़ा सब पूछ सकते हो तो माइनस 27 के इक्वल टू इन दोनों में से माइनस कर बड़ा 81 माइनस 22 11 में बड़ा 11 में से 2 आया तो क्या बड़ा 9 यहाँ पे बड़ा 7 7 में से 7 में से 2 7 में से 2 माइनस कर दो कितना है बेटा 559 प्लस 59 से अंदर 5 या फिर प्लस 59 81 माइनस 20 59 इक्वल टू क्या है बेटा 5 59 को सर्व कर दो क्या माइनस 27 के इक्वल टू 5 माइनस 59 59 में से माइनस कर दो तो माइनस 27 के इक्वल 59 माइनस 5 माइनस 59 ले माइनस 54 माइनस माइनस प्लस 27 के इक्वल 54 तो के इक्वल 54 डिवाइड बाय 7 27 27 टू सा है के इक्वल आंसर क्या है बेटा 2 हो गया के इक्वल 2 इज इट क्लियर कि लीव्स द रिमाइंडर है बेटा लीव्स द रिमाइंडर मींस x + 3 = 0 x + 3 तो x = - 3 लीव द रिमाइंडर 5 तो r = p of r मींस रिमाइंडर r = p of - 3 = 5 तो k = - 3 cube plus 9 into - 3 square और सिंपलीफाई करो k की वैल्यू 2 हो गया क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर p of x इज डिवाइडेड बाय g of x देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 देखो बेटा x plus 1 is x equal to minus 1 x equal to यहाँ पे क्या x minus 3 equal to x equal to plus 3 2x minus 1 equal to 0 देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या सीख रहा 2x है तो 2x minus 1 equal to 0 तो 2x equal to 1 तो x equal to 1 by 2 बाद में पुट करना reminder clear अब इसमें मेरे 7 g of x equal to 1 minus 3x by 2 ठीक है ये भी देखो मैंने 1 minus g of x है 1 minus 3x divided by 2 equal to 0 तो 1 equal to 3x divided by 2 यहाँ पे लिखो बेटा तो 2 equal to 3x तो x equal to 2 by 3 और put the value reminder theorem ठीक है बेटा ये question number 1 2 3 and 4 ये सारे बेटा homework में करना है compulsory करना है best के notebook में is it clear okay